ऑक्सीजन दो भाई, ऑक्सीजन दो। हेड सिक्योर ऐसे, ऐसे हेड सिक्योर ऐसे। हमारे सरकार क्या कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की व्यवस्था कराएं। पटना और मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है, तो हमारा बिहार में भागलपुर नहीं है क्या? हमारे बिहार में भागलपुर ही है, एक बड़ा क्षेत्र है, अंग क्षेत्र। वहाँ की जनता यो क्यों तोड़ेगी, क्यों तोड़ेगी बिना ऑक्सीजन का? यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लगे, प्राइवेट सेक्टर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तो क्या बिहार सरकार नहीं लगा सकती है? हमारा आग्रह है स्वास्थ्य मंत्री से कि बिहार को सौतेला व्यवहार भागलपुर पर सौतेला व्यवहार नहीं करे। भागलपुर में भी लोग सैकड़ों जान जा रही है, दर्जनों जाने जा रही है इस ऑक्सीजन के प्रति में। लोग ऑक्सीजन चलते इस तरह से ठेला पर, गाड़ी पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, उसका ऑक्सीजन का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। इस तरह से तड़पता जान नहीं जाना चाहिए, इस सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इसका व्यवस्था करें। आइए आप भी देखिए, आप भी कुछ कहिए इस व्यवस्था के बारे में, सरकार से गुहार लगाइए। आज हम लोगों को मालूम है कि सूबे का तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल मायागंज में जवाहरलाल हॉस्पिटल है, और ये बातें किसी से छिपी नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने कितनी जाने गवाई है, कितने बच्चे को खोया है। आज जो मैं आपके सामने दिखा रही डेमो है, ये हकीकत इससे और बदतर है। हमारे जिले की ऑक्सीजन की कमी इतनी है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते जाते हमारे भाई दम तोड़ देते हैं, हमारी बहन दम तोड़ देती है, हमारी माताएं दम तोड़ देती है, हमारे बच्चे दम तोड़ देते हैं। आप इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। हमें आश्चर्य होता है हमारे जिले से बढ़ के एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन एक ऑक्सीजन की कमी के कारण जान जा रही है, ठीक किसी की जान जा रही है। हमारे अकाउंट में पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी बेड नहीं मिल रहा है, नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है। इसलिए हम लोग पूरे भागलपुर वासी इस चीज को मांग करते हैं कि हमारे भागलपुर में भी एक ऑक्सीजन प्लांट को बैठाया जाए, जल्द से जल्द बैठाया जाए।